नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट बिंदुसार के बारे में। भारत के महान सम्राट बिंदुसार तो हैं, लेकिन उनकी महानता को कभी स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। दोस्तों बता दें, सम्राट बिंदुसार का जीवनी व जीवन परिचय। दोस्तों बता दें, आज से लगभग 24,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य का पूरे दुनिया में नाम प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बिंदुसार था। बालक बिंदुसार के जन्म के पहले ही विषैले खाने के कारण उनकी माता दुर्धरा की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थे, क्योंकि उनके बड़े भाई शेषनाग भी जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि बिंदुसार एक मौर्य सम्राट थे, जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर राजकाज किया। उनका जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे, क्योंकि उनके बड़े भाई केशनाग जन्म लेते ही मृत्यु को प्यारे हो गए थे। और दोस्तों बता दें, जब बिंदुसार अपनी माता के कोख में थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया, परंतु बिंदुसार को आचार्य ने किसी तरीके से बचा लिया, और उसके बाद उसका पालन पोषण शाही दासियों द्वारा राजमहल में ही किया गया। बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने दिया था। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, आचार्य चाणक्य रोजाना चंद्रगुप्त के भोजन में कुछ मात्रा में जहर मिला देते थे, ताकि चंद्रगुप्त जहर के प्रति इम्यूनिटी बनी रहे। एक दिन चंद्रगुप्त ने जहर मिला हुआ भोजन अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यह भोजन में विष जानबूझकर नहीं मिलाया गया था, बल्कि चंद्रगुप्त के दुश्मनों ने भोजन में विष मिला दिया था, और दुर्धरा ने अनजाने में वह विषैला खाना खा लिया, इसलिए दुर्धरा की मौत हो गई। और दोस्तों बता दें, दुर्धरा की प्रसूति होने में 7 दिन बचे थे, तो उस जहर के कारण दुर्धरा की मौत हो गई, और बिंदुसार तब तक पेट में ही था। उसके बाद आचार्य चाणक्य को यह बात पता चली, तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी चाणक्य ने दुर्धरा के पेट को चीर के गर्भ से बच्चे को निकाल लिया, परंतु बच्चे के सिर में जहर की कुछ बूंदें पहुंच चुकी थी, पर आचार्य चाणक्य ने बड़े ही कुशलता पूर्वक उसे जहर से मुक्त कर दिया और उसे बचा लिया। इस जहर की बूंद की वजह से आचार्य चाणक्य ने इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा था। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या बिंदुसार के बारे में आपको यह बातें पता थी। और दोस्तों बता दें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।